Hello everyone, welcome back to my channel. You are watching makeup artist Rupakshayani. आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही गॉर्जियस सा ब्राइडल आई मेकअप. इफ यू इंटरेस्टिंग ऑन दिस आई मेकअप सो कीप ऑन वॉचिंग. सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो को अच्छे से ड्रॉ कर लूंगी एनेस्थेशिया आईब्रो प्रोमेट की मदद से. एंड ऑल्सो आई एम टेकिंग एंगुलर ब्रश एंड स्पूली. आईब्रो का जो नेचुरल हेयर लाइन है उसी हिसाब से लाइन ड्रॉ कर लूंगी. ज़्यादा ऊपर लाइन नहीं खींचना है, नेचुरल हेयर लाइन जैसे है वैसे रखना है. नीचे भी सेम तरीके से ही करना है. उसके बाद मैं आईब्रो की मिडिल फिल अप कर रही हूँ. उसके बाद कोई भी कंसीलर लेकर आईब्रो को शार्प करना है. नीचे भी अच्छे से शार्प करना है. नेक्स्ट मैं डार्क कंसीलर की मदद से आई बेस कंप्लीट कर रही हूँ. नेक्स्ट आई एम टेकिंग ए पीएससी स्पॉन्ज एंड ब्लेंडेड आउट वेरी प्रॉपरली. उसके बाद मैं ले रही हूँ एक बिग फ्लफी ब्रश एंड जूबियस मास्कुलर पैलेट. सबसे पहले मैंने लिया है एक पिंक शेड जिसको थोड़ा थोड़ा करके मैं अप्लाई कर लूँगी आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक. और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कोई लाइन ना रहे. नेक्स्ट आई एम टेकिंग प्रोवर्ड ब्लेंडिंग ब्रश PE23. अब दो कलर एक साथ मिक्स करके मैं अप्लाई कर रही हूँ पहले जो कलर दिया था उसके थोड़ा सा नीचे. नेक्स्ट डार्क कंसीलर की मदद से और एक कंसीलर ब्रश लेकर मैं अपनी नेचुरल क्रीज लाइन तक कट कर रही हूँ. आप चाहे तो थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हो. इस कट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली करना है, मेसी ना रहे. एक स्पॉन्ज लेकर कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा. कंसीलर जहाँ पे ख़त्म मैंने किया था वहाँ पर अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा. उसके बाद मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश और कलर को आउटर कॉर्नर पे धीरे धीरे से अप्लाई कर रही हूँ. मैं कलर को थोड़ा सा एंगल करके अप्लाई कर रही हूँ. आप चाहे तो सीधा भी कर सकते हो. अब गोल्डन कलर को अप्लाई कर लूँगी.
रेड कलर के साथ भी गोल्डन कलर को थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड करना है। उसके बाद छोटा सा ब्रश लेकर मैं ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ आउटर कॉर्नर पे और वो मिक्स कर रही हूँ गोल्डन कलर एंड रेड कलर के साथ। उसके बाद मैं सेम ब्रश की मदद से गोल्डन कलर एंड ब्लैक कलर के बीच में अप्लाई कर रही हूँ पर्पल कलर। गोल्डन कलर को थोड़ा सा और हाईलाइट कर लूंगी थोड़ा सा गोल्डन कलर ऐड करके। अब एक लाइट कलर लेकर धीरे धीरे से इनर कॉर्नर में मैं ब्लेंड कर लूंगी। आप चाहे तो पूरा गोल्डन कलर भी डाल सकते हो। पहले आउटर कॉर्नर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ लाइनर का, भी धीरे धीरे से उसको मोटा कर रही हूँ। फिर बीच में लाइनर लगा के आउटर कॉर्नर के साथ ब्लेंड कर दूंगी। उसके बाद धीरे धीरे से इनर कॉर्नर में लाइनर को डाल रही हूँ। काजल को वाटर लाइन पर अच्छे से लगा लूंगी और लोअर लैश लाइन पर भी लगा लूंगी और उस काजल को आउटर कॉर्नर का जो लाइनर है उसके साथ ब्लेंड कर दूंगी। पर्पल कलर को लेकर ब्लैक कलर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। एक लाइट शेड लेकर ब्रो बोन एंड इनर कॉर्नर हाईलाइट कर लूंगी। इनर कॉर्नर पर हाईलाइट करने के बाद लाइनर खींच लूंगी। अगर आज का ये आई शेडो लुक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। थैंक यू।